मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दान और दक्षिणा के बारे में। इन दोनों शब्दों को आपने पूजा पाठ के समय या किसी भी धार्मिक उत्सव पर कभी भी जरूर सुना होगा, लेकिन जनमानस में इस बात का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दान और दक्षिणा क्या है। लोग इस दोनों को दान समझ लेते हैं, कई बार तो दोनों को दक्षिणा समझ लेते हैं, लेकिन दान और दक्षिणा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दान उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी भिखारी को कुछ दिया, खाने के लिए रोटी दिया या कुछ पैसे दिए, कपड़े दिए। भिखारी ने आपका कुछ काम नहीं किया, बस आपने उन्हें अपने कमाए हुए पैसों में से, अपने धन में से एक हिस्सा उन्हें दिया। ये हिस्सा देने से पुण्य होता है, दान करना चाहिए। दक्षिणा क्या होता है? दक्षिणा होता है जब आप किसी पंडित जी से कुछ पूजा कराते हैं या कुंडली दिखवाते हैं, हाथ दिखवाते हैं, कुछ भी काम कराते हैं, किसी ब्राह्मण से आप जब काम कराते हैं, तो उनके बाद जो आप पैसे देते हैं उन्हें दक्षिणा कहते हैं। तो दान अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको उससे पाप नहीं होगा, अगर दान करेंगे तो पुण्य होगा, नहीं करेंगे तो पाप कम से कम नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपने दक्षिणा किन्हीं को नहीं दिया, किन्हीं पंडित जी से पूजा कराई और उनकी दक्षिणा नहीं दी, तो पाप जरूर होगा। तो दान और दक्षिणा में यही फर्क है। दान आपकी मर्जी पे है, आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पुण्य होगा, आपको और धन होगा। लेकिन दक्षिणा कभी भी किसी का नहीं रोकना चाहिए। दान में क्या होता है, दान आप जिनको भी देते हैं तो सामने वाले को ये हक नहीं होता कि वो आपसे किसी चीज़ की डिमांड रखे, किसी चीज़ एक खास चीज़ ही मांगे वो आप उनको दें ही, इसके लिए आप विवश नहीं हैं। लेकिन दक्षिणा में क्या है, पंडित जी बिल्कुल या कोई भी ब्राह्मण आपसे बिल्कुल उस काम से पहले अपनी जो भी फीस है मांग सकते हैं, शास्त्र सम्मत है ये। साथ ही शास्त्रों में तो ये भी है कि अगर आप पंडित हैं, आपने किन्हीं जजमान का कुछ काम कराया है और दक्षिणा आपका नहीं मिला है, तो उस जजमान को, जो आपके जजमान हैं, उनको पाप का भागीदार बनना होगा। तो आपकी ड्यूटी है, आप पंडित हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि उनको बोलें कि मेरा दक्षिणा ऐसे ऐसे आपके यहाँ बाकी है, आप उन्हें कृपया करके दें, क्योंकि आप उनके आचार्य हैं, आप उनके गुरु हैं। तो आपकी ये दायित्व बनती है कि अपने चेले को, अपने शिष्य को सभी तरह के पापों से मुक्ति कराएं, मार्गदर्शन दें उनको। तो अगर आप पंडित हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने जजमान को निश्चित तौर पर इसके लिए बताएं कि मेरा इस तरह से आपके यहाँ बकाया है दक्षिणा, आप कृपया करके दे दें। अगर दक्षिणा आपके शिष्य नहीं देंगे आपको, तो उनको पाप होगा, तो आपका भी दायित्व है क्योंकि आप आचार्य हैं। अगर आपके कहने के बाद भी वो नहीं देते, तो फिर आपकी गलती नहीं है यहाँ पे, तो फिर कोई बात नहीं, फिर उनके गलती वो सोचेंगे फिर। लेकिन अगर आप जजमान हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिणा कभी भी किन्हीं ब्राह्मण का गलती से भी नहीं रखें, दान करें और दक्षिणा भी दें। दान जैसा कि मैंने बताया आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जितना दान करें। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी धन आप कमाते हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे आप पंडित हों या गृहस्थ हों, कैसे भी करके धन कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा जरूर निश्चित तौर पर सोच के रखें और वो दान दें। अब दान किन्हें दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। दान दें जिन्हें सच में धन की ज़रूरत है, जिन्हें आपके धन से कुछ लाभ हो सकता है, आपके देने से कुछ लाभ हो सकता है, ऐसे लोगों को दें। ऐसे लोगों को नहीं दें कि उनके पास सब कुछ है फिर भी आपने दान करना था तो आपने उन्हें कुछ दे दिया, नहीं, इसमें फ़ायदा होता है लेकिन कम होता है। आपको उतने ही पैसे में ज़्यादा फायदा चाहिए, तो आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को भी दान देते हैं तो ब्राह्मण में भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का चुनाव करें, या अगर आपको कोई गरीब ब्राह्मण ना मिले तो आप ऐसे ब्राह्मण का चुनाव करें जो कि धार्मिक कार्य में लगा हो, किसी प्रकार का पूजा पाठ कराते हों या किसी तरह का धार्मिक उपदेश देते हों, बेसिकली वो धार्मिक कार्य में लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण को भी दान दें और जो ज़रूरतमंद हो उनको दान दें। और दक्षिणा जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस भी पंडित जी से आप काम कराते हैं, पूजा कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो उनको दक्षिणा उनको दें। दक्षिणा में वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि मेरी इतनी फीस है, लेकिन दान में कोई भी आपसे डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे आप 100 रुपये ही दो, ऐसा नहीं होता।
दान में आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जो भी चाहें, जितना भी चाहें, जो चीज़ चाहें उस तरह से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। तो दान और दक्षिणा का यहाँ पर मैंने आपको फर्क बताया, उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। इस संबंध में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। इसी तरह के और वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज हमारा लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ। तो देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।